अजीजा ने गरामी घरेलू मामलात में एक बहुत अहम बात कही गई। हमारे यहां एक बहुत मुश्किल है कि हम तलाक को बतौर एक लीवरेज के इस्तेमाल करते हैं। जरा सा गुस्सा आ गया तो बीवी से कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दे भी डाली और फिर एक ने इकट्ठी तीनों फायर कर दिए, जायज नहीं। आदाब बताए गए कि देखिए उसका तरीका है, शिकवा हुआ है बीवी को मियां से, मियां को बीवी से, आपस में बाहमी रजामंदी से उसको सॉर्ट आउट करें, एक दूसरे को समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, डांट डपट से, और बात नहीं बन रही है तो खाविंद से कहा कि मियां बीवी से कुछ रूठ के देख लो, अलहदा होके देख लो, कुछ तंबीह के तरीके इख्तियार कर लो, कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो फिर हकमम मिन अहली ही व हकमम मिन अहलिया। एक बुजुर्ग हकम खाविंद की तरफ से, खानदान की तरफ से, एक बुजुर्ग बीवी के खानदान की तरफ से, इन दोनों को बिठाओ, वो मामले को सॉर्ट आउट करें। और अगर ये हकम दोनों मिलके इस नतीजे पे पहुंचते हैं क्या अभी तलाक ही होनी चाहिए, मसलहत इसी में है कि सेपरेशन हो जाए, तो फिर सेपरेशन हो। और उसकी शक्ल भी सीधी सादी है कि मियां एक रजाई तलाक दे दो और इद्दत गुजर जाने दो, इद्दत के दौरान अगर तुमने रुजू नहीं किया है तो तलाक वाकई हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी, क्या जरूरत है दूसरी तलाक देने की, तीसरी तलाक देने की। उसको हुजूर ने इसे मना फरमाया कि कभी तुम्हारा जी दोबारा निकाह करने को चाहे तो कोई उसमें रुकावट ना बने।